अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास हम यूनिट नंबर 6 इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने स्टडी किया कि इंडस्ट्री क्या होती है, इसका किसी भी कंट्री को क्या फ़ायदा होता है, कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में और इकोनॉमी को मजबूत करने में, किसी कंट्री की डेवलपमेंट में इंडस्ट्री क्या रोल प्ले करती है। तो हेयर इज़ गिवन अ डिटेल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। अब हम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो कि पाकिस्तान में हैं उनको स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और कहाँ पर लोकेट करती हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में वो इंडस्ट्रीज़ कैसे काम कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल्स, दिस इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान में कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अ लार्ज लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। एक जो है बहुत बड़ी लेबर फोर्स हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, मीन के इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया हुआ है। कॉटन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन क्लॉथ्स हम जो है वेयर करते हैं वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही क्या कर रही, प्रिपेयर कर रही, बना रही है। पाकिस्तान इज सेल्फ सफिशिएंट इन कॉटन टेक्सटाइल नीड्स। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अपने टेक्सटाइल नीड्स में सेल्फ सफिशिएंट है। चीफ कॉटन मिल्स आर एट कराची, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद एंड बकर। जो पाकिस्तान में बड़ी मिल्स हैं कॉटन टेक्सटाइल्स की वो कराची में हैं, लाहौर में, मुल्तान में है, साहिवाल में है, फैसलाबाद में है और बकर में। यहाँ पर जो है बड़ी मिल्स जो है लोकेट करती हैं, वो वर्क कर रही हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स मच ऑफ इट इट्स कॉटन क्लॉथ एंड अर्न्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पाकिस्तान जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है कॉटन में, तो कॉटन की अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं और पाकिस्तान कॉटन जो है एक्सपोर्ट भी करता है। देन क्या कर अपने लिए कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो है अर्न करता है और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है मजबूत बनाते हैं। जी सेकेंड वन इज वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वूलन टेक्सटाइल्स भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। वूल हमने देखना है कि जो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसे वर्क कर रही है, उसमें हमें जो वूल की ज़रूरत पड़ती है वो हम कहाँ से हासिल करते हैं और फिर उन वूल से हम कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनका जो इम्पोर्टेंट रेट क्या है, क्या वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा वर्क कर रही है और इससे हमें क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में वर्क कर रही है, हम इनको वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्टडी करेंगे। वूलन टेक्सटाइल्स, वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम शीप। फाइन वूलन प्रोडक्ट्स सच एज ब्लैंकेट्स, शॉवल्स, कारपेट्स एंड ट्वीट आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वूल। स्टूडेंट्स, जो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वूल पे डिपेंड करती है। वूल जो है हम शीप से हासिल करते हैं और फाइन वूलन प्रोडक्ट्स जैसा कि ब्लैंकेट्स हैं, शॉवल्स हैं, कारपेट्स हैं, ट्वीट हैं, ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मैनुफैक्चर की जाती हैं फ्राम वूल। द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर वूलन टेक्सटाइल्स आर इन बनू, रावलपिंडी, कराची, नौशहरा एंड हैदराबाद। अगर बात की जाए कि इम्पॉर्टेंट वुलन इंडस्ट्रीज़ की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर वर्क कर रही हैं, तो बन्नों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वुलन की, इसी तरह रावलपिंडी में, कराची में, नौशहरा में और हैदराबाद में भी ये वुलन इंडस्ट्रीज़ जो हैं काम कर रही हैं।